भगवान ने महिला और पुरुष की शारीरिक संरचना अलग अलग बनाई है ताकि ये संसार आगे बढ़ सके, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो इस संसार को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। आए दिन देश में बलात्कार की घटनाएं आम होने लगी हैं। हर बार बस पीड़िता नई होती है और पशुता की सीमाओं को लांघने वाला पुरुष नया होता है। बलात्कार शब्द सुनते और बोलते ही मन में एक दर्द उठता है। उन महिलाओं और मासूम बच्चियों की चीखें सुनाई देती हैं जो उन दरिंदों का शिकार बनती हैं, जिसके बाद इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। लेकिन आज भी इस समाज में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इंसानियत को बचाए रखा है। मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का है, जहां हरदोई के एसपी आलोक प्रियदर्शी ने एक लड़की को रात के 11 बजे जब अकेले घर जाते हुए देखा तो गाड़ी रोककर उससे पूछताछ की, जिसमें लड़की ने बताया कि वह शहर के एक होटल में नौकरी करती है और घर वापस अकेले जा रही है। इसके बाद एसपी आलोक प्रियदर्शी उस लड़की के साथ पैदल चलकर उक्त होटल में गए, जहां उन्होंने होटल प्रबंधन से कड़ी नाराजगी व्यक्त की और होटल मालिक को महिला स्टाफ को गाड़ी से घर तक छोड़ने व समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि आगे से ऐसी लापरवाही पाई गई तो होटल प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजकल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल सड़क से लेकर संसद तक फैला हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हरदोई के एसपी आलोक प्रियदर्शी द्वारा ये एक अच्छी पहल की गई है। उनका ये कार्य सम्मान के साथ साथ सराहनीय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।